आखिरकार भंडारा जिले में धान की खरीदी शुरू हो गई है। हालांकि भंडारा जिला धान उत्पादक जिला है, लेकिन दिवाली के बाद धान की खरीदी शुरू नहीं हुई थी। इसके लिए किसान अपना धान व्यापारियों को बेच रहे थे, लेकिन अब जिला विपणन विभाग ने जिले के 131 बुनियादी धान खरीदी केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है और किसानों का 7-12 ऑनलाइन कर दिया है। अब 34 बुनियादी धान खरीदी केंद्रों पर 31,500 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है और जिले के बाकी धान खरीदी केंद्र भी अगले 2 दिनों में शुरू हो जाएंगे। इससे किसानों को फायदा होगा। वहीं धान खरीदी केंद्रों पर अनियमितता पाए जाने पर ऐसे केंद्रों पर कार्रवाई की जाएगी। आतापर्यंत भंडारा जिल्ह्यातील अ वर्ग आणि ब वर्ग असे मिळून 131 संस्थांचे आयडी आपण ॲक्टिव करून दिलेले आहेत। त्यापैकी 34 सेंटरला 31,501 क्विंटल धान खरेदी झालेली आहे। शेतकरी संख्या 862, अजून जवळजवळ 101 सेंटरचे आयडी ॲक्टिव असताना देखील 1-2 दिवसामध्ये ते सर्व सेंटरला खरेदी कशी करता येईल या नियोजनामध्ये आम्ही आहोत। पाठीमागील हंगामामध्ये ज्या संस्थांकडून अनियमितता झालेली आहे त्या संस्थांचे आयडी ॲक्टिव करताना आम्हाला विशेष मंजुरी घ्यावी लागणार आहे, परंतु ज्या संस्थांनी अनियमितता झाली असेल किंवा भरारी पथकांचे अहवाल, FCI अहवाल, त्यानुसार ज्या त्रुटी समोर आल्या त्या सेंटरवरती विशेष लक्ष जिल्हा पणन कार्यालयाचं राहणार आहे, त्यामध्ये संस्थावरती कडक कारवाई होऊ शकते। यामध्ये कामकाज करताना शेतकरी हाच आपला केंद्रबिंदू मानून एक सेवा म्हणून सर्व संस्थांनी कामकाज करावा हाच उद्देश आहे। शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारे ऑनलाईन नोंदणी करण्यामध्ये किंवा धान खरेदीमध्ये त्रास होणार नाही याची विशेष दक्षता जिल्हा पणन कार्यालयाकडून घेतली जात आहे। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के ACN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।